नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ पहुंचे सूबे के मंत्री अनिल राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई की नोटिस मिलने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई नियर नोटिस भेजा है तो वह सही होगा और इसका जवाब अखिलेश यादव को देना चाहिए, न कि उन्हें इसके लिए भाजपा को उत्तरदायी बनाना चाहिए। यदि वह बेगुनाह है तो उसका भी सबूत कोर्ट में पेश करें और कोर्ट सबके लिए है। वहीं सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग किए जाने के आरोपी को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या फिर कोई और, किसी ने अभी तक अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दिया और आज भी उनके मामले न्यायालय में चल रहे हैं, किसी को न्यायालय ने बरी नहीं किया है। बता दें कि आज प्रतापगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए श्रम मंत्री अनिल राजभर पहुंचे थे, जहां वह कार्यकर्ताओं संग बैठक कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से संवाददाता विनय तिवारी की रिपोर्ट। बहुत पुराना प्रकरण है, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को जानता है और वो अगर दूध के धुले नहीं हैं तो उनको सामना करना पड़ेगा। आज देश के अंदर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल रही है, कई नेता देश के लगातार, आप अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं, अब अखिलेश यादव जी को भी लगातार देखेंगे सुनेंगे। अगर उनको लगता है कि सीबीआई उनको गलत तरीके से नोटिस भेज रही है तो माननीय न्यायालय का दरवाजा खुला है, वो एजेंसी के खिलाफ जा सकते हैं माननीय न्यायालय के पास। लेकिन इसको आधार बनाकर एक सेंटिमेंट पैदा करने का जो नेताओं का मैं देख रहा हूं प्रयास किया जा रहा है, उसका असर जनता पर कहीं से कोई नहीं पड़ने वाला है। आप मानते हैं सही नोटिस गई है? हाँ बिल्कुल, नोटिस अगर भेजा है एजेंसी ने तो उसका सामना करना चाहिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अपनी बात रखनी चाहिए। अगर वो बेगुनाह है तो अपने बेगुनाही का सबूत देना चाहिए। सर, ये लगातार विपक्ष कहता है कि सीबीआई और ईडी का जो है प्रयोग करते हैं भाजपा के लोग, दुरुपयोग करते हैं। फिर कहना चाहते हैं वो चाहे जितना भी कह लें लोग, आप दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है, सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई हुई तब भी इन लोगों ने यही कहा, संजय सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई हुई तब भी इन लोगों ने यही कहा, और ये सारे लोग सत्येंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई तब भी, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई हुई तब भी उन लोगों ने यही कहा। आज तक माननीय न्यायालय ने जमानत नहीं दी है, आज तक, तो लोग जाएं माननीय न्यायालय के पास।